अब 800 अफसरान की फहरिस्त थी, मैं उसी तरह वो गई तो गई किधर? वो गई इस तरह गई है कि अगर एक टी को कहा गया है या अगर एक नीचे किसी को कहा गया है कि जनाब ये अफसरान है, इन पर ये इल्जामात है, या इवन एंटी करप्शन में भी अगर उसको भेजा गया है तो इन इल्जामात को चेक करें और उस पर कार्रवाई करके भेजें। अब उसकी कार्रवाई वही अफसर कर रहे थे जो उनके साथ किसी ना किसी तरीके से लिंक में थे, किसी ना किसी चीज में हिस्सेदार थे, किसी ना किसी पार्ट का वो हिस्सा थे। अब वो लिस्ट ऊपर से तो नीचे आ गई, लेकिन आज के दिन तक एक अफसर के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए नहीं कार्रवाई हुई कि वो तमाम के तमाम लोग एक ही ग्रोह का हिस्सा थे, एक ही उनका इमाम था जिसको वो अपना इमाम मानते थे, वो था सबके हुक्मरान थे। उन्होंने मिलकर ऐसा सिस्टम बनाया कि उनमें से एक अफसर के खिलाफ कार्रवाई तो दूर की बात, उस लिस्ट को मकामी जगह तक पहुंचने से पहले ही जहां पहुंचकर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी थी वहां पर पहुंचने के लिए आज के दिन तक पहुंचने नहीं दिया गया। ना उस लिस्ट एंटी करप्शन में आई, ना लिस्ट मुतलका डिपार्टमेंट्स में गई, ना ही लिस्ट जो है वो नैब के किसी अफसर के पास गई। नैब के पास वो एप्लीकेशन गई जिन पर कोई ना कोई मुदई था। इसमें तो हुकूमत खुद मुदई थी, हुकूमत ने खुद कहा था कि इन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई। यानी हुकूमत खुद उनको बचा रही है, पंजाब बचा नहीं रही। हुकूमत अच्छा। इतनी बेबस है, ब्यूरोक्रेसी तो इतनी तगड़ी है। पॉलिसी कैसी है, क्यों इन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा, या इखराजात जो पैसे इनको दिए गए वो पैसे क्यों नहीं खर्च किए जा रहे? इसलिए खर्च किए जा रहे कि ब्यूरोक्रेसी हर सूरत में चाहती है यह हुकूमत फ्लॉप।